अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम डॉक्टर एस के चिश्ती। आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलो कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते या फिर आप प्रॉब्लम से घबराते हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के बाद आप जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को पसंद करेंगे बल्कि उनको सॉल्व भी करेंगे और उनको बड़े अच्छे तरीके से फेस भी करेंगे। तो आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का जो टाइटल है वो है सीइंग अपॉर्चुनिटी इन द ऑब्स्टेकल्स, कि आप मुश्किलात के अंदर अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है। तो अगर थोड़ा सा इसको हम आगे लेकर चले तो स्टोरी का बैकग्राउंड इस तरह से है कि एक बादशाह होता है और वो स्ट्रेंथ होती है, मतलब ताकत होती है उसके पास, लेकिन वो मगरूर नहीं होता, लेकिन वो क्यूरियस होता है, तजस्सुस वाला बादशाह होता है। वो चाहता है कि अपनी अवाम के ऊपर में एक टेस्ट करना चाहता है कि क्या उसकी अवाम जो है वो कोशिश करती है और छोटी मोटी चीजें जो लाइफ के अंदर है वो प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत रखती है या नहीं। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रख देता है, बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रख देता है सड़क के ऊपर जहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा गुजर रही होती है। और वो छुपके से एक तरफ बैठ जाता है और देखता है कि कौन उस पत्थर को मूव करेगा, रास्ते से हटाएगा। तो वो देखता है कि बहुत सारे उसकी जो अमीर राया जो है उसकी वो गुजरते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां से गुजरते हैं उसकी राया में से, तो कोई भी उस पत्थर को जो है ना उनमें से साइड पर नहीं करता। खैर वो बैठा रहता है बादशाह और देखता है कि कुछ देर के बाद वहां से ना एक किसान गुजरता है और उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो वजन उठाया हुआ था, कोई चीज लेकर जा रहा था एक बेड़ी के ऊपर। तो वो क्या करता है, पत्थर देखता है तो वो अपनी रेडी को एक जगह पर रोक लेता है और पत्थर को जो है ना वो साइड पर करने के लिए कोशिश करता है। अब कोशिश करता है, जोर लगाता है अच्छे तरीके से और पत्थर को जो है ना वो साइड पर कर देता है अल्टीमेटली। अब उस पत्थर के नीचे जो है ना वो एक पर्स और एक नोट लिखा होता है बादशाह की तरफ से। पर्स के अंदर बहुत सारे जो है गोल्ड कॉइन्स होते हैं और नोट में लिखा होता है कि ये रिवार्ड उस पर्सन के लिए जो इस पत्थर को जो है वो बड़े बोल्डर को उठा के साइड पे करेगा या धक्का लगा के। तो वो इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि हम जो है प्रॉब्लम्स को आजकल फेस नहीं करते, हम जो है वो उनसे दूर भागते हैं, लेजी हो गए हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए क्योंकि ये हमारी शख्सियत को निखारता है। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो बेसिकली हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर और अगले बंदे की नजरों में भी हम अपनी पर वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली इसका रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो जरूर मिल रहा होता है। तो कोशिश करें प्रॉब्लम्स को फेस करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं।